तो पहले बैंक को जाता, बचा जकात सदका तो निकाल के ना रोड बनाता। हाँ जी, आप लोग नहीं मानो, आप लोग चुप दीवाने पने में जीपों को जो है डंडे लगा लेके फिर रहे लोग के, नको करो ये कामा। आया विष्णु, आया कहते इलेक्शन को आया, सो आया बोल रहे हमारे भाई। मत करो मेरे भाई, जो लेना है वो खुदा से लो, जो मांगना है वो मुस्तफा से मांगो। जो दरे न मांगे तो खुदा की फजल से आपको मिल जाएगा। हमें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं, किसी की करने की जरूरत नहीं, किसी लीडर के पीछे जाने की जरूरत नहीं। हमें जो लेना है इंशाल्लाह मदीने वाले मुस्तफा से ले लेंगे, हमें जो लेना खुदा से लेंगे। इसलिए मेरे भाई गैरों के पीछे मत भागो, किसी को कुछ नहीं दे। लीडरों के पीछे जितनी मेहनत होती है, अगर तुम उतनी इस इस्लाम के लिए कर लो तो बेड़ा पार रहेगा, निजात हो जाएगी, तुम्हारी मगफिरत का सामान जमा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जो मेरे नबी की बारगाह में 7,000 दिरहम आए, मेरे मुस्तफा ने सब कुछ लुटा दिया, घर कुछ नहीं ले गए, कुछ नहीं ले गए। हुजूर पलट कर जा रहे थे, एक गरीब शख्स आया, कुर्बान रहमतुल आलमीन की शान देखो, एक गरीबा आकर अर्ज करना, रसूल मुझे आने में देर हो गई, आका जब आप तकसीम कर रहे थे मैं उस वक्त मजलिस था, सारे तो सब कुछ ले चले गए, या रसूल अल्लाह मैं गड़ा गरीब हूँ, मुझे भी कुछ इनायत फरमा दीजिए। उसने सोचा कि नबी कुछ ले जा रहे हो, लिहाजा मैं नबी से मांग लूं। नबी पाक ने पलट कर कहा, नहीं नहीं, मेरे पास अब कुछ भी दीनारों में से बचा हुआ नहीं है, उन दिरहमों में से मेरे पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ जो मेरी दरबार में आ जाए वो रुसवा नहीं जा सकता। जा, तुझे बाजार से जो चाहे ले ले, उस बाजारी को कह देना इसका बिल मुस्तफा अदा करेंगे। क्या शान थी मेरे आका की, आपकी बच्ची की शादी हो, एमएलए के पास जाके कपड़े ला लो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। देखो मत जाओ मेरे भाई, ऐसा बड़ा सारी कायनात का बादशाह हमारा नबी है। अजी ये लुटाने वाले नबी का लुटाना बंद नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि हुजूर अपने दौर में लुटा दिया, आज खत्म। नहीं, खुदा की कसम नहीं, ऐसा सोच रहे हो तो ये सोच कुफ्र है। अरे मुस्तफा का सदका तो आज भी लुट रहा है, जरा मांग के तो देखो। अजी मुस्तफा का फैजान आज भी जारी है, जरा पूछ के तो देखो। जो ले रहे हैं उनसे पूछो कैसा कैसा मिल रहा है, कहां कहां से है, किस किस तरह से मिला है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब जरा और ये रहमतुल आलमीन की शान देखो, ये अपनी रहमत को कैसे लुटाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, एक दफा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक शख्स आया और आकर उसने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे बकरियों से भरी हुई वादी चाहिए। बकरियां थे सरकार के, चंद बकरियां थे। हुजूर से, या रसूल अल्लाह मुझे वो बकरी चाहिए जो आपकी है। आपके पास एक 10 बकरियां हैं, वो 10 बकरियों का दूध बेच के आपका गुजारा हो, या आपके पास डेयरी फार्म है, 10 भैंसे हैं, भैंसों के ऊपर गुजारा है, दूध बेच के आप कमाते खाते हैं, मैं आके मंगा तो देते। बैठो मौलाना, तकरीर अच्छी करे आप रात में, क्या रात में तकरीर करते, सुबह भैंसा मांगते क्या? अजी कुर्बान जाओ मेरे नबी बारगाह में आने वाला कोई मुसलमान भी नहीं था। वो जो मांगने आया मुसलमान भी नहीं था, वो तो यहूदी था। मुस्तफा की बारगाह में आया, खेत में बकरियां चल रही थी, खेत की बकरियों को देखा, देखकर कहा मुझे वो बकरियां चाहिए। मुस्तफा ने सारी बकरियों की गलों के वो डा पकड़ खींच कर मैदान के बाहर लाए, उसके हाथ में दा दिए, कहा लेकर चला जा, अरे की सारी बकरियां दे दी। वो बकरियां ले गया, अपने इलाके में जाकर कहा, सुनो सुनो लोगों, ये बकरियां मैंने मोहम्मद की ला ली है, खरीदा नहीं हूं, पूछा तो उसने दे दिया है। मैं जानता हूं ऐसा देना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, वो तो सारे नबियों का इमाम बनकर आया है, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया है। ऐसा लुटाने वाला मैंने नहीं देखा। अगर कुछ करना चाहते हो तो जाके उसका कलमा पढ़ लो।
ऐसी जिंदाबाद जिंदाबाद ऐसी आन से लुटाया करते थे हमारे आखा। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर से निकाह करके घर तशरीफ लाई, 40,000 दीनार लेकर आई थी साथ में। कितने? 40,000। एक मरतबा फिर बोलो जरा, 40,000 दीनार। बोले तो आज के जमाने के 400 करोड़ समझो आप, बच्चों का खेल नहीं है 1,000 दीनार। क्योंकि हजरत खदीजतुल कुबरा बहुत बड़े अमीर घर की बेटी थी, सिर्फ सरकार की मोहब्बत में अपना घर बार तिजारत सब कुछ छोड़ दी और सरकार के निकाह में आ गई थी। 40,000 दीनार लेकर आई थी। नबी पाक से जब निकाह हुआ, हुजूर के घर तशरीफ लाई तो 40,000 दीनार सामने रखकर मेरे मुस्तफा जाने रहमत से ये कहने लगी, या रसूल अल्लाह आप ये दीनार कबूल फरमा लीजिए ताकि मैं खुश हो जाऊं। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने दीनार को कबूल किया। ऐ खदीजा, तुम्हारी खुशी के खातिर मैंने दीनार कबूल किया, अब मेरी खुशी के खातिर तुम अपने हाथों से ये दीनार गरीबों में तकसीम कर दो। कुर्बान जाओ जी मेरी आखा की रहमत के, सदखे जाए मेरे नबी की रहमत के। कौन थे जी उस वक्त? ना हजरत अबू बकर थे ना उमर, अभी इस्लाम का ऐलान ही नहीं हुआ था, नबुव्वत नहीं थी। 25 साल की उम्र है मेरे आखा की, जबकि सारे के सारे कुफार मुश्रिकीन यहूदो नसारा थे, मेरे मुस्तफा लुटा रहे हैं, लुटा कर रहे हैं। इसका ये तकाजा है कि वो दौलत को भी लुटाया करती है, वो अंबार को भी लुटाया करती है, वो रहमत को भी लुटाया करती है, वो सदखा भी लुटाया करती है। जो उनके दरबार में आता है वो सब कुछ लुटा देते हैं। ये मेरे आका की शान करे अजी, जो अपने नवासों को दीन पे लुटा दे उसकी रहमत की क्या कहने। इसीलिए कहा नबी, अना अजवदु बनी आदम, अगर औलाद आदम में लुटाने वाला पैदा हुआ तो वो सिर्फ मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आका की रहमत भी देखो, लुटाना मेरे आका को इतना पसंद, मेरे आका को लुटाना इतना पसंद था कि एक दिन मेरे आका अली सलात व सलाम भरी मजलिस से सहाबा ठहरे के ठहरे, मजलिस से नमाज का वक्त करीब आया, इकराम मजलिस भर के बैठे, हुजूर करीमा से निकले और मुसल्ले पर आकर बैठ रहे, अकामत हो रहा गई। एक बद्दू गांव का रहने वाला कहा, है मोहम्मद मैं आपसे एक चीज पहले मांग रहा हूं, मुझे दे दीजिए, मैं शदीद जरूरत में हूं, जब आप देंगे तो मैं आसानी के साथ चला जाऊंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अकामत को रुकाया, मुसल्ला छोड़कर पीछे आ गए। अल्लाह अल्लाह, मुसल्ला छोड़कर पीछे आए और आकर कहा, बता तुझे क्या चाहिए? मुझे ये फुला चीज चाहिए, फुला चीज चाहिए, फुला चीज चाहिए, फुला चीज चाहिए। हुजूर ने कहा, है अबू बकर, आए उमर, इसके साथ जाओ, मेरे हिस्से में जितनी चीज है सारी की सारी इसे दे दो। जब वो चाहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने शेखुल इस्लाम, फैजाने शेखुल इस्लाम। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर उसके बाद हजरत अबू बकर और उमर आए तो फिर नमाज शुरू की गई। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लुटाया मेरे आका अलैहिस्सलाम। इसीलिए ने कहा, हमें सारे आलमों की रहमत बनाकर भेज रहे हैं, ये सारे आलमों की रहमत है। जो लेना हो ये दुनिया वालों, इसी मुस्तफा के दर से लो, इनकी रहमत का सबको पता है। मेरे प्यारे भाई, अब ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान करीमी खुद हुई ज़बान अक़दस से जो है आप समाअत फरमा ले। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलात व सल्लल्लाहु अलैहि से जो बात बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1 नंबर 4 हदीस लिखी हुई है, आका अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास, आका अलैहिस्सलात व सलाम से इंसानों में तारों में सबसे ज्यादा सखावत करने वाले, सबसे ज्यादा बांटने वाले, सबसे ज्यादा लुटाने थे। और फिर फरमाते हैं कि फलौ फला फला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदु भैरी मिरीहिल मुरसला, फरमाते हैं हुजूर की खैरात, हुजूर का लुटाना, हुजूर का बांटना, हुजूर की सावत ऐसे चला करती थी, ऐसे चला करती थी जैसे तूफान के वक्त हवा चला करती है। बुखारी के अल्फाज है, रीहिल मुरसला, तूफान की हवा कैसे चलती है,
है ना भाई, टीना उड़े आते हैं, देखिए आप बिल्डिंग गिर गई, खंबा चढ़ा, क्या अरे हवा खतरनाक हवाई, ऐसा हवाई तो खंबे भी टेढ़े हो जाते, हवाई तो टीन भी उड़ जाती, हवाई तो फाकते झाड़ गिर गए, पूछे क्या हवा चली जोरदार, अच्छा तूफानी हवा थी, अरे ये हवा चलती है तो जिस तरह दुनिया का निजाम धर्म परम हो जाता है, इसी तरह मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने जवादियत दी थी, जब उनकी रहमत चलती है तो गुनाहगारों के गुनाह भी गिर जाते हैं, बदकारों की बदकारी भी गिर जाती है, दलीलो खार लोगों की जिल्लत और रुसवाई भी खत्म हो जाती है, उनकी रहमत सारे गुनाहों से धोकर उनकी उम्मत को जन्नत का हकदार बना देती है। प्यारे दोस्तों, मेरे आका इनामदार मदनी ताजदार अली सलाम के बारे में लोग पूछे, अरे तासर हुजूर 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 बोलते रहते, कुछ तो मिला, चुप मिलाद का जलसा करा, क्या हुआ, हो गया जलसा, मिला, ऐसे सवाल होते हमसे, तो एक शायर ने क्या ही बड़ा खूब जवाब दिया है, सुन लीजिए, पूछते क्या हो कि आखा हमें क्या देते हैं, पूछते क्या हो कि आखा हमें क्या देते हैं, क्या ये कम है कि बंदे को खुदा देते हैं, नहीं हम बंदों को खुदा से मिला है नहीं, अजी अगर खुदा ना खास्ता ये नबी ना होते हम भी डन टन टन मान लेते रहते थे, इधर वाले पूरे टन टन, इधर वाले पूरे यूं यूं कर लेते रहते, अजी ये नबी का सदका है ना, इधर वाले इधर के ना उधर वाले उधर के, सबके सब खुदा वाले हो रहे हैं, हमसे पूछे ये नबी आए तो क्या हुआ, अरे ये नबी ही की तो बरकत है कि हम खुदा वाले हो गए, हम सजदे वाले हो गए, हम रुकू वाले हो गए, हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह वाले हो गए, ये नबी ही का तो सदका है, अगर ये नबी ना आते आज हमारे पास कुछ भी नहीं रहता था। अच्छा आप बाज लोगों को पूछो, आप हो सकता है यहाँ भी बैठे होंगे आजू बाजू से आके, उनका ने खुदा का तस्वुर नहीं है, हनुमान जी को खुदा बोलते, राम जी को खुदा बोलते, सीता को खुदा की बीवी बोलते, क्या क्या की बोल लेते बेचारे, आप जरा सोचो उन लोगों का ने खुदा का तस्वुर है, खुदा है ना भाई, उनका ने राम को बोल रहे होंगे, किसको बोल रहे होंगे, खुदा का तस्वुर तो है, किताब का तस्वुर भी है, वेद है, रामायण है, भगवत है, क्या क्या की रामायण पूरे, उनका ने है किताब का तस्वुर, उनका ने नेकी का तस्वुर भी है, बुराई का तस्वुर भी है, अच्छाई का तस्वुर भी है, बदी का तस्वुर भी है, फिर भी वो लोग तबाह हो गए, क्यों, सारी चीजें उनके पास है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उनके पास नहीं है। अजी अगर ये एक नबी आ जाता तो ये नबी को वो लोग अगर ले लेते तो ये नबी उनको बताता, देखो ये सब बेकार बातें हैं, इन सब को छोड़ो, वहदहू ला शरीक को पकड़ो। हम लोग अभी पहले वही थे जी, ऐसा बोलते, चलो मान लो, थोड़ी देर क्या सुनना बोल रहे, तुम ना अभी पहले यही थे, चलो मान लो, अरे भाई आप आ जाओ, हम लोग अच्छे रास्ते पे आ गए, तुम भी आ जाओ, नहीं थे, चलो जान दो, थोड़ी देर के रास्ते थे, अब आ जाओ, हम अच्छे रास्ते पे आए ना, उन लोग बोल रहे पहले तुम लोग अभी सड़ा हुआ खाना खाते थे जी, ऐसा अब आ जाओ, रे भाई हम लोग आप बिरयानी खा रहे ना, तो मेरे प्यारे भाइयों, तो इन लोगों को कहने की समझाने की जरूरत है, पहले सड़ावा खाना हम लोग खाते थे होंगे, अब तुम क्यों खा रहे हैं, अब तो बिरयानी का दौर चल रहा है, बेहतरीन डिशों का दौर चल रहा है, इसलिए वो सड़े खानों को छोड़ो और ये नेमतों को लूटने की तरफ आ जाओ, तो ये जो हम नेमत लूट रहे हैं ये मुस्तफा ना जाने रहमत की नाले ने पाक का सदका है, ये नबी नहीं आते तो हमको कैसे पता चलता कि खुदा वो है, रहीम वो है, करीम वो है। अब आइए एक प्यारी बात मेरे आका अलैहिस्सलाम की खुद जुबानी आपको सुनाता हूं, मुत्तफ़क़ुन अलैह बुखारी व मुस्लिम की हदीस है, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना क़ासिबुन वल्लाहु युती, अल्लाह मुझको देता है और मैं सबको तकसीम करता हूं, जरा जोर से बोलो,
अल्लाह मुझको देता है, बाजू वाले क्या करे इसका तर्जुमा, अल्लाह मुझे माल देता है मैं सबको तकसीम करता हूँ। हद देखो, अब शरारत की इंतहा होती है, वो इंतहा के बाहर निकल गए लोग। हुजूर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हदीस शरीफ के अल्फाज आपको सुना, अना मैं खासिमुन तकसीम करने वाला हूँ, वल्लाहु और मेरा रब युती मुझको देता है। माल का जिक्र आया कहीं, कहीं आया? पैसों का जिक्र आया, रुपये का जिक्र आया, जमीन का जिक्र आया, बिल्डिंग का जिक्र आया, कार का जिक्र? बाजू वाले बोल रहे हैं अल्लाह मुझे माल देता है मैं तकसीम करता हूँ, मतलब मैं खाली माल ही देता हूँ, बाकी का कुछ भी नहीं देता हूँ, ये मतलब है इसका। सरकार की शान में कैसा भी करना, अजमत घटाना, सरकार की तौहीन करना, सरकार के मर्तबे को गिराना, सरकार की शान और रिफत को कम करना, ये इनकी जिंदगियों का मकसद बना हुआ है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अकाली सलात व सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह मुझको देता है और मैं सबको तकसीम करता हूँ। अब नक्शबंदी से पूछो अल्लाह मुस्तफ़ा को क्या देता है, मुस्तफ़ा क्या तकसीम करते हैं, तो हदीस बता रही है कि अल्लाह मुझको देता है मैं तकसीम करता हूं। हमारे घर में जो आल औलाद हो रही है, देने वाला खुदा है, बांटने वाले मुस्तफा है। हमारे घर में जो खाना है, देने वाला खुदा, बांटने वाले मुस्तफा है। पहले ये मुस्तफा जाने रहमत के दर पे उतरा था, वहां से सबको तकसीम किया जा रहा है, वहां से सबको बेटा बांटा जा रहा है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे पास जो कारोबार है, जो मुलाजिमत है, जो रुपया है, जो अता है, वो सब कुछ खुदा मुस्तफा को देता है। ये मुस्तफा की रहमत का सदका, मुस्तफा अपने हाथों से हमको लुटा रहे हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अब जरा आप और एक बात देखें तो आपको यह बात भी समझ में आ जाएगी बड़ी आसानी के साथ। मेरे आका इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सय्यदुल अबरार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबियां, किसकी? जमीन के खजानों की चाबियां मेरे रब ने मुझको अता फरमा दी है। मेरे रब ने मुझको किसकी? जमीन के खजानों, जरा बोले भाई, जमीन के खजानों की चाबियां। मैं जरा आपसे पूछता हूं, जमीन का खजाना क्या है? और हुजूर क्या करें, बिमफातिहिल अर्द, जमीन की चाबियां, जो जमीन के अंदर खजाने हैं उसकी चाबियां मेरे रब ने मुझको दी है, मेरे अकाली सलात व सलाम फरमाते हैं। तो अब जरा सोचिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, ये जमीन का खजाना क्या है? तो अब आप बोल उठेंगे, ये चावल जमीन में से निकलता है तो ये जमीन का खजाना है, ये गन्ना जमीन से उगता है तो ये जमीन का खजाना है, पानी जमीन से निकलता है तो जमीन का खजाना है, ऑयल जमीन से निकलता है तो जमीन का खजाना है, पेट्रोल जमीन से निकलता है तो जमीन का खजाना है, सोना जमीन से निकलता है तो जमीन का खजाना है, झाड़ पेड़ जमीन से निकलते हैं ये जमीन का खजाना है, जितने फल है सब जमीन का खजाना, जितना अनाज है सब जमीन का खजाना, जितना जेवर है सब जमीन का खजाना, ये जितनी बिल्डिंगें बनी है सब जमीन का खजाना है। इसमें मिट्टी लगी ना लगी, लोहा लगाने लगा, पानी लगाने लगा, ये लोहा कहां से निकला? आसमान से आया नहीं, ये जमीन से निकला, ये मिट्टी जमीन से निकली, ये पानी जमीन से निकला। अरे ये पूरी दुनिया बनी है, ये जमीन के खजानों से बनी है। मुस्तफा कह रहे हैं आता ही तू, मेरे रब ने मेरे हाथ में जमीन के खजानों की चाबियां दे दी है। तो पता क्या चला, अरे जो तुम्हारे पास घर है, अनाज है, कारोबार है, तिजारत है, पैसा है, पेट्रोल है, ऑयल है, ये सारा का सारा मुस्तफा का लुटाया हुआ ही तो है। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाओ मेरे नबी के, सारा का सारा खजाना जमीन के अंदर है। और ये बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। और हुजूर ये नहीं कह रहे मिफ्ताहुल अर्स, जमीन की कुंजी नहीं कहे हुजूर, बिमफातिहिल अर्स, जमीन के सारे खजानों की कुंजियां, एक दो नहीं, कुंजियां
मेरे पास है। बंदे तुझे अनाज चाहिए, मेरे दर पे आ जा, मैं देने के लिए तैयार हूं, उसकी चाबी मेरे पास रखी हुई है। तुझे माल चाहिए, मेरे पास आ, मैं दूंगा, उसकी चाबी मेरे पास रखी है। तेरे खेत में, तेरी जमीन पर खेती बाड़ी चाहिए, मेरे पास आ, उसकी चाबी मेरे पास है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। तुझे औलाद चाहिए, मेरे पास आ, मैं देने के लिए तैयार हूं। तुझे माल चाहिए, मेरे पास आ, मैं देने के तैयार हूं, क्योंकि मेरे रब ने वो चाबी मेरे पास रखी है। तुझे जो लेना हो, देता तो खुदा ही है, मगर सदका मुस्तफा का मिल रहा है। जरिया मुस्तफा को बनाया गया, वसीला मुस्तफा को बनाया गया। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अजी जब रसूलुल्लाह कैद नहीं लगा रहे, मैं ये देता हूं वो देता हूं, तो हम क्यों कैद लगाएं? जो कैद लगाया वो गले में गया नहीं। आपको क्या होना बाबा, मेरे को बोलो, मैं देने तैयार हूं। आप देख के बोल, अरे मौल साहब क्या दे सकते हैं? तो आप सोचे होंगे कि इस्तेतात के मुताबिक, अजी अल्लाह ने जिन्हें दोनों जहां का पूरी आलमों की रहमत बनाकर भेजा हो, वो क्या नहीं दे सकते हैं? अजी उनकी हुकूमत यहां भी है, उनकी हुकूमत यहां का भी लेना हो तो उनसे ले लो, वहां की लेना हो तो भी उनसे ले लो, वहां की जन्नत में जगह चाहे तो भी मुस्तफा से लो, यहां की जमीन में शहंशाह चाहे तो भी मुस्तफा से ले लो। हर जगह की नेमत, मुस्तफा लुटाने वाले, अल्लाह ने उन्हें खासी में नेमत बनाया है, अल्लाह ने उन्हें खासी में नेमत। आप पूछेंगे मुल साहब मांगे तो देते, मेरे आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे, बोलो भाई, मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है, उसको तकलीफ बाद में होती है, मुझको एहसास पहले होता है। फरमान सकता अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ मेरे आका की रहमत पर। यह है देखो रहमतुल्लिल आलमीन की शान। एक सहाबी मेरे आका अलैहिस्सलाम के दौलत खाने रहमत पर तशरीफ लाए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर जब मैं घर में जाऊं तो क्या करूं? तो हुजूर ने कहा सबसे पहले घर वालों को सलाम करो। हमारे वास्ते भी है, खाली वो साहबी के वास्ते नहीं था ऐसा, हमारे वास्ते भी है हुक्म, घर को गए तो सबसे पहले सलाम करना। क्या करना भी जरा बोलो, सलाम करना, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कोई भी रहो, घर में जाते ही घर में सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। फिर उसके बाद वो सहाबी क्या करे, पूछे या रसूल अल्लाह अगर मैं ऐसे वक्त घर में गया जब मेरे घर में कोई नहीं है, जब मेरे घर में कोई भी नहीं है, जब मैं क्या करूं? तो नबी पाक अलैहि सलाम ने कहा उस वक्त तुम अपने नबी को सलाम करो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जब तुम ऐसे वक्त घर में जाओ जब कोई ना हो तो अपने नबी को सलाम करो। पूछे या रसूल अल्लाह जब कोई थे तो घर वालों को सलाम किया, जब कोई ना हो तो नबी को सलाम क्यों करूं? कुर्बान जाओ सहाबा के, वो सवाल इसलिए नहीं कर रहे थे, उनको नहीं मालूम था, नहीं, वो सवाल इसलिए कर रहे थे ताकि हम सवाल करें और नबी जवाब दें, ताकि ये हदीस बन जाए और क़यामत तक उम्मत को मालूम हो जाए। उनके सवाल का गलत मतलब ना निकालना, वो सब मालूम था, खामोश बैठ जाते तो हमको कैसे पता चलता? अजी ये उनके पूछने के सदक़े जाओ, वो पूछ रहे हैं तो हमको सब मालूम हो रहा है। नबी पाक रहमतुल्लाह अलैहिं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह जब कोई घर में हो तो हम घर वालों को सलाम करें, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन या रसूल अल्लाह जब कोई ना हो तो हम उस वक़्त नबी को सलाम करें, ये बात कैसे कैसी, हमें तो समझ में नहीं आई। तो रहमत वाले मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, सुन ऐ ईमान वाले, जब ईमान वाले के घर में कोई नहीं होता तो उसका रब और उसका नबी उसके घर की हिफाजत के लिए होता है। सुभान अल्लाह, आप हम बोले तो सुनते, हम गए तो भी वह खबर रहती,
हमारा घर खाली है तो भी हमारे नबी को इत्तला होती, हमारे पैर में कांटा चुभा तो हमारे नबी को इत्तला होती, हम या नबी सलाम अलैका बोलते हैं तो नबी को खबर होती, हम अल्फातिहा इला हजरतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुस्तफा बराहे रास्त समात करते हैं, हम दरूद पढ़ते हैं हमारा नबी सुनता है, हम नारा लगाते हैं हमारा नबी सुनता है, हम नात पढ़ते हैं हमारा नबी सुनता है, क्योंकि दोस्तों ये नबी का कनेक्शन दिल से जुड़ा हुआ है, ये नबी का कनेक्शन हमारी रगों से जुड़ा हुआ है, हमारे खून से जुड़ा हुआ है, हमारी हर अदाओं से हमारे नबी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, हमारी हर हर अदा की हमारे आका को इत्तला होती, खबर होती। एक साहब परसों क्या करे, मासा टैंक चौरस्ते पे गाड़ी सिग्नल पड़ा हुआ है, जोर से भगा रहे और सिग्नल पड़ा हुआ है, पुलिस वाला हाथ बता दिया, लाइट ले लिए, भगा भगा के भगा के आगे 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 क्या करे, ब्रेक मार दिए, ब्रेक मारे तो गाड़ी पूरी स्केट हो गई, वापस पलटा लेके आके फिर वो लाइन में ठहर गए। तो मैं पूछा, जब पुलिस वाला रुका तो इन्हें रुका नहीं, पहली बात तो खुद ही रुक जाना था सिग्नल देख के, रुका नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ बताया जब तो रुकना था सेकंड टाइम, जब भी नहीं रुका, फिर उतनी दूर जाके ब्रेक मार के पलटा के आके शरीफों के जैसा सफ में ठहरने की क्या जरूरत थी। मैं थोड़ा परेशान हुआ, मैं भी मोहब्बत में जरा फ्री टाइप का हूँ, प्यार से पूछ लिया, क्या बात है मियां, शराफत की तो इंतहा हो गई आज। बोला, मत साहब शराफत उराफत कुछ भी नहीं है, ऊपर कैमरा है देख रहे। फुगट में चालान आ जाता, चालान से बचने आके ठहरों। बोला, ओफो, मैं पूछा वहां कैमरे में फीड होता, पूरा फीड होता, कल चिट्ठी आती घर को 300 रुपए, वो कैसा? बोले कंट्रोल रूम से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ओहो, मासा टैंक चौरस्ते पे गलती हो रही, कंट्रोल रूम में खबर हो रही, मुस्तफा का गुलाम मीलाद में बैठा तो मदीने में खबर हो जाती है। जिंदाबाद। प्यारे दोस्तों, लोगों को कैमरे पे भरोसा है, देखो नहीं, खुदा पे, खुदा के नबी पे भरोसा नहीं है तो ये ईमान है, वो बट्टू वाला अच्छा है ऐसे ईमान से। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला की कुदरत को बंदे नहीं समझे तो अल्लाह ताला बोले इनको समझाने के वास्ते कैमरा बनाओ, बोले कैमरा बना के लगा दिए। आज के पेपर में मस्जिद नबवी शरीफ में 600 कैमरे लगाए गए थे, 600 आज के पेपर में 600 कैमरे मस्जिद नबवी शरीफ में, अल्लाह माफ करे, टॉयलेट को गए तो ही मालूम होना वहां पे कौन टॉयलेट को गए। एक नबी की देखने को नहीं मान रही थी कौम, अल्लाह बोला मेरा नबी नहीं देखता, नहीं मानता तू, ले मैं तेरा ईमान कैमरों पे लाके डाल देता हूं। 600 कैमरे मस्जिद नबवी में है, 600 कैमरों पे ईमान है, अल्लाह के नबी पे ईमान नहीं है। देखो नबी की तरफ रुख करके ठहरे तो पलटा देता, मुतवा पलट, खिबला खिबला, नहीं इधर नहीं देखना होता। और हमारा अकीदा ये है, हम नबी को उतनी अच्छी तरह नहीं देख सकते हैं, जाली के अंदर से हमारा नबी हमको जितनी अच्छी तरह देख रहा है, ये हमारा ईमान है। हम ईमान वालों को कैमरों की जरूरत नहीं है, ये कैमरे इन लोगों के वास्ते निकले, बाजू वालों के वास्ते साबित करने। अरे जब कैमरा देख सकता है, अच्छा कैमरे का कनेक्शन भी देखो आप पलक से खाली, अच्छा आप जो हमारे बच्चे यहाँ कैमरे लेके ना, इसको पलक है ना थलक है, खाली ठहरा है कैमरा, पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूं नहीं, इसको वायर है जी, लगे हुआ है जी कैमरे वाले भाई, इसको वायर नहीं है, कनेक्शन नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट गई तो भी ना काम करते रहता पूरा अपना।
अजी खुदा की कुदरत देखो, जब ये अंग्रेज का बनाया हुआ कैमरा बगैर कनेक्शन के सब रिकॉर्ड कर सकता है, तो ये तो ईमान का कनेक्शन, नबी और उम्मती का कनेक्शन है, तो फिर ये नबी उम्मतियों को कैसे नहीं देख सकता है। जबकि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है, वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिन अलूला। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, आपका ये जो लम्हा बीता ये जितना बेहतर था, इसके बाद आने वाला लम्हा उससे ज्यादा बेहतर है, उसके बाद वाला लम्हा उससे ज्यादा बेहतर है, उसके बाद वाला लम्हा उससे ज्यादा बेहतर है। अजी मेरे आका की शान सहाबा के जमाने में जितनी अजमत वाली थी, उससे करोड़ों दर्जे अजमत वाली तो आज है। अल्लाह का कलाम जाहिर कर रहा है, हमारे आका की नजरे करीमा आज हमारी इस मजलिस पर है। ये अहमद नक्शबंदी का ईमान है, हमारे आका देख रहे हैं हमको, हम यहां से पुकारते हैं, हमारे आका हमारी पुकार को सुनते हैं। एक बात बताकर अपनी बात को खत्म कर लेता हूं कि मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आजकल मोबाइल की दुनिया बहुत तरक्की कर ली, नहीं पहले क्या करना पड़ता था, 10 नंबर मिलाना पड़ता था। अभी भी आपका नहीं, रिलायंस का मोबाइल है तो 10 नंबर मिलाना पड़ता, वो लोकल है वो। आजकल नए नए मोबाइल निकले, नंबर मिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप नंबर मिला के नाम फिट कर दीजिए, अज्जू भाई, सेव सेव टू मेमोरी। अब आपको जब अज्जू भाई को फोन करना है, नंबर मिलाने की जरूरत नहीं, मुँह के करीब फोन लग जाओ, अज्जू भाई, ट्रिंग ट्रिंग, अरे वाह क्या तरक्की है रो। अच्छा वो कौन से अज्जू भाई का ने, आप जो अज्जू भाई को मिलाना चाह रहे हैं वही बजता, बाजू वाले अज्जू भाई का ने नहीं बज रहा वो। आप कमाल देखो, अंग्रेज का ऐसा सिस्टम बनाया, इतना टुकड़ा लेके मुंह के सामने अज्जू भाई बज रहा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अजी जब अंग्रेज का बनाया हुआ मोबाइल जब अज्जू भाई के जेब में बच सकता है सिर्फ आवाज देने पर। अच्छा अज्जू भाई है का ऑस्ट्रेलिया में? कह दो सुभान अल्लाह। अंग्रेज का कमाल देखो, हबीब फातिमा नगर के अज्जू भाई ऑस्ट्रेलिया को गए तो ऑस्ट्रेलिया में ट्रिंग ट्रिंग बेल हो रही, आप बोले क्या कमाल है अंग्रेज बाबू का, इतना बेहतरीन कनेक्शन, यहां पुकारे तो अज्जू भाई को आवाज आ रही। तो अजीज मुझे कहने दो, जब अंग्रेज ऐसा मोबाइल बना दे कि वो ऑस्ट्रेलिया में बच सकता है, तो खुदा ने भी एक ईमान बनाया है। जब ये ईमान हमारे दिल में आ जाता है तो इस ईमान के साथ आप या रसूल अल्लाह पुकारते हैं तो गुंबदे खजरा में आवाज आने लग जाती है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अमीर सदाए इस्लाम, अमीर सदाए इस्लाम। अब एक बाजू वाला क्या कर, ऐसा तुम पुकार तो अज्जू भाई से बात हो रही, मैं भी पुकारता हूं फोन लेके, अज्जू भाई पुकारा, अरे जा रहा है नहीं अज्जू भाई, जा रही, क्या बात है मैं नहीं जा रहा है, तेरे पास सिम कार्ड नहीं है रे। इसी तरह अब अगर बाजू वाला पूछा क्या मियां नबी सुनते, बोलना हाँ सुनते, नहीं सुनते यार तुम्हारा को नहीं मालूम, कैसा सुनते वहां तक जाती आवाज, हाँ नहीं सुनते मगर तेरी, नहीं सुनते मगर हमारी तो सुनते, क्यों हमारा ये जो मोबाइल है ना, ये सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ये मोबाइल है, ये मोबाइल में ईमान वाला सिम कार्ड पड़ा हुआ है, ये सिम कार्ड का कनेक्शन मदीने से भी जुड़ा हुआ है, ये सिम कार्ड का कनेक्शन बगदाद से भी जुड़ा हुआ है, ये सिम कार्ड का कनेक्शन अजमेर से जुड़ा हुआ है, ये सिम कार्ड का कनेक्शन जन्नतुल बकी से जुड़ा है, ये सिम कार्ड का कनेक्शन करबला से जुड़ा है, ये सिम कार्ड का कनेक्शन नामपल्ली से जुड़ा हुआ है। ये सिम कार्ड को हम यूज करके जिधर का नाम पुकारते है उधर फोन चला जाता है। तेरे पास सिम कार्ड इच नहीं है, तेरा फोन लगता इच नहीं। अगर तुझे चाहिए कि मदीने वाला ना
कभी तेरी आवाज सुने, बगदाद वाला गौस तेरी बात सुने, आ जा हमारे ग्रुप में। हमारा दरवाजा अभी भी खुला है, देखो लाइन बीच में खाली है, आ जा। हम तुझे आज भी अपने सब बाजू बिठाने और तेरी आवाज को मदीने पहुंचाने के लिए तैयार है, बगदाद पहुंचाने के लिए तैयार है। अब एक और बात का मसले का हल जवाब देते हुए आगे बढ़ जाता हूं। बाज लोग पूछे चिल्ला क्यों बनाना, हबीब फातिमा नगर में चिल्ला क्यों? जवाब दिया, आपके पास चिल्ला क्यों 40 दिन का? आप गए तो कुछ भी नहीं, हम बनाए तो टेंशन। देखो भाई, हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक किताब है, उसका नाम है मजहरे जमाले मुस्तफाई। क्या है किताब का नाम? मजहरे जमाले मुस्तफाई किताब का नाम है। वो किताब में खुद गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, हजरत गौसे पाक के पास, किसके पास? हजरत गौसे पाक के पास औलिया अल्लाह की एक जमात आई, आकर हजरत गौसे पाक से अर्ज करने लगी, हजरत हम जहां बैठ के जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, शैतान आता है और हमको भयकाकर हमको पूरे कामकाज से तबाव ताराज कर रहा है, इबादत करने ही नहीं देता, जिक्र में दिल लगने ही नहीं देता, सदा के खा जा रहा। गौसे पाक मुस्कुराकर फरमाए, तुम जब कभी भी जिक्र के लिए जहां कहीं भी बैठो, जहां बैठो वहां मेरा नाम लिखकर लगा दो, शैतान नहीं आएगा। गौसे पाक फरमाए, अब ये सुनाए तो भी बाजू वालों को टेंशन, हाँ गौसे पाक के नाम से शैतान नहीं आता। देखो चोर आपके घर में आ सकता, मेरे घर में तो खैर नहीं आता, मेरे पास है कुछ नहीं, आप लोग करोड़पति लोग हैं, आपके पास आएंगा उन्हें। पूरे हबीब फातिमा नगर में चोरी हो रही जबरदस्त, एक दरवाजे के ऊपर सर्कल इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, आता जी चोर, आया तो फिर कहां जाता? दोजख को जाता भाई, जेल। तो पता क्या चला, सर्कल इंस्पेक्टर का इतना ढाग है, तख्ती देखा तो चोर नहीं आता। तो ये शैतानों के सर्कल इंस्पेक्टर का नाम गौसे आजम है। गौसे आजम का नाम देखा तो भी शैतान नहीं आता। तो गौसे पाक क्या करे, तुम जहां बैठो जिक्र के लिए मेरा नाम लिख दो। बोले तो बास औलिया पत्थरों पे बैठ के जिक्र कर रहे थे, तो पत्थर के ऊपर जो बड़ी चट्टान थी उसके ऊपर लिख दिया, अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादर जीलानी शैअन लिल्लाह। कोई झाड़ के नीचे बैठकर जिक्र कर रहे थे तो झाड़ के ऊपर तख्ती लगा दिए, अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादर जीलानी शैअन लिल्लाह। कोई घर में बैठ के कर रहे थे तो घर के ऊपर झंडा लगा दिए वो। अच्छा और एक बात देखो, कुरान अंदर, हदीस घर के अंदर, दीनियात घर के अंदर, नक्शबंदी साहब की सीडी और डीवीडी महमूद भाई लाके बेचे तो घर के अंदर फ्री में पब्लिसिटी, सब घर के अंदर। ये गौसे आजम का झंडा बाहर गई को सोचने वाली बात है। अजी उसमें तो कलमा लिखा है, हम लोग तो अदब वाले, घर में रखना था, बाहर क्यों रखते हैं? ये बाहर रखने का तरीका गौसे आजम ने बताया है कि जिस घर पे झंडा होता है शैतान ऊपर से देख लिया, अरे ये तो गौस के दीवाने का घर है, बोले के खाली पीली के लेने के देने हो जाएंगे, बाजू से निकल जाता है, बाजू से निकल जाता है, इसलिए गौसे पाक का झंडा घर के ऊपर लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो गौसे पाक के झंड हुकुम के मुताबिक, गौसे पाक के खौल के मुताबिक, जब वो औलिया अल्लाह गए जहां जहां जिक्र करने बैठे थे, वो जिक्र के पास जो अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी लिखकर लगाए, शैतान देखा भागने लगा, गौसे पाक का नाम देखकर शैतान भाग गया। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब वो औलिया अल्लाह को आसानी हो गई, उनको जिक्र में कोई तकलीफ होने नहीं लगी। इसलिए हम लोगों ने भी सोचा
मोहल्ले के चौरस्ते पर एक छिल्ला बनाओ, गौसे पाक का झंडा लगाओ, हमारे घर से तो जाएगा ही जाएगा, पूरे मोहल्ले से भाग जाएगा। इसलिए झंडा लगाते। साहब पूछे फर्ज है, मैंने नहीं है, वाजिब है नहीं है, सुन्नत है नहीं है, मुस्ताब है नहीं है, बचना है तो लगा ले। नहीं, हेलमेट पहनना फर्ज है, वाजिब है, कुरान में है, काई को पहने जी, मौत से बचने के वास्ते हेलमेट है ये हमारी, वो दुनिया की हेलमेट है या दीन की हेलमेट है? नहीं पहनते तो मत पहनो, चालान पड़े जब पूछना नहीं। ये जो पहन लिया नजात पा जाएगा, शैतान के शर से बच जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल की हिफाजत में आ जाएगा। मगर खबरदार, इसकी बेअदबी ना करना। आजकल बस गंदे और बेहुदे लोग यहाँ बैठ के जुए भी खेल रहे, शराब भी पी रहे, यहाँ नहीं हो रहा होगा, मगर जहाँ कहीं भी है दूसरी जगह पे मैं देखा हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ, बास गंदे जाहिल लोग इन प्यारे प्यारे मुकद्दस मुकामात पर बैठकर जुए भी खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, रात में आके पूरे जो है गंदे लोगों का अड्डा बन गया। इसकी वजह से ये मुकद्दस मुकामात बदनाम हो रहे हैं। खुदारा दोस्तों, ये गंदे काम करने की जगह नहीं, ये तो अदब से सर झुका के गुजरने की जगह का नाम है। इसका अदब करो, इसका अदब करोगे तो बाजू वालों को भी अदब करना नसीब हो जाएगा। करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।